जब से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया हूं तब से सब दुख ही दुख क्यों है। संघर्ष ही संघर्ष है। गृहस्थ आश्रम को धन्य करने के लिए क्या उपाय है? गृहस्थ आश्रम एक ऐसा आश्रम है जहां से सभी आश्रमों का जन्म होता है। साधु संत हो, ऋषि मुनि हो, भगवान हो, महान हो, विद्वान हो, इंसान हो, शैतान हो, कोई भी हो, सबका जन्म गृहस्थ आश्रम में ही होता है। गृहस्थ आश्रम एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म है। यदि एक नारी कौशल्या के गुणों से अपने आप को विभूषित कर सकती है तो संभावना है कि उसके द्वारा कोई भगवान रूप राम का जन्म हो सकता है। यदि तुम सुमित्रा बन सकती हो, यदि तुम सीता बन सकती हो, तो याद रखना तुम जहां रहोगे वहां राम राज्य की स्थापना करने में मदद करो। गृहस्थाश्रम और संन्यासाश्रम, ये संन्यासाश्रम भी लास्ट आश्रम है। इस आश्रम के बाद आश्रम खत्म हो जाता है, फिर आदमी भी खत्म हो जाता है, फिर जिंदगी भी खत्म। संन्यास आश्रम, न्यासम संन्यासम कवयो विदुः। प्रथम आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम और ब्रह्मचर्य आश्रम की सीमा 25 वर्ष की उम्र तक ब्रह्मचर्य का पालन करो, फिर गृहस्थ आश्रम में जाओ या संन्यास आश्रम में जाओ, वहां से चुनाव करो। पर इस कलयुग में लोगों की उम्र ही कम होती है, तो 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो आगे का व्यवस्था बिगड़ेगा। लोग 60 वर्ष से तो मरना शुरू कर देते, 80 वर्ष की उम्र तक लगभग सब मर जाते हैं। इसलिए इस उम्र को मैं घटा देता हूँ थोड़ा सा, 20 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करो, उसके बाद संन्यास का चुनाव करो या कि गृहस्थ आश्रम का चुनाव करो। और 20 से 40 तक गृहस्थी में रहो, 40 के बाद वानप्रस्थी बन जाओ, 60 के बाद सन्यासी बन जाओ, 80 के बाद मर जाओ, यहाँ जरूरत नहीं फालतू भीड़ मचाने की। मरना भी जरूरी है, मरोगे नहीं तो सीट खाली होगी कैसे, खाम खाम भीड़ मचा रखी है, हर हर गंगे मर मर जाओ। लेकिन कबीर कहते हैं ना मन मरे ना माया मरे, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कही गए संत कबीर, कही गए संत कबीर। और मरने में भी मरता क्या है, शरीर मरता है, आत्मा मरती है, मन मरता है, इंद्रियां मरती हैं, क्या मरता है, कुछ नहीं मरता है। क्यों नहीं मरता है? आत्मा की मृत्यु नहीं हो सकती है क्योंकि आत्मा का जन्म नहीं होता है। और शरीर जिन तत्वों से बना हुआ है वह तत्व भी अमर हैं, अविनाशी हैं, अखंड हैं। पृथ्वी जल अग्नि वायु की भी मृत्यु नहीं हो सकती है। और पृथ्वी जल अग्नि वायु तत्वों से बना हुआ यह शरीर केवल परिवर्तन होता है और कुछ नहीं होता है। जब ये जीव शरीर को छोड़ करके बाहर हो जाता है तो ये शरीर
मृतक हो जाता है। आंख रहती है पर देखती नहीं है, हाथ रहते पर कुछ काम करते नहीं है, पैर रहते हैं पर वह चलते नहीं है, दिमाग रहता है पर सोचता नहीं है, और मुंह रहता पर बोलता नहीं है, कान रहते पर सुनते नहीं है, जीभ रहती है पर चटपटा स्वाद लेती नहीं है। क्यों? अगर आंख देखती थी तो आंख है, फिर देखती क्यों नहीं है? क्योंकि अंदर जो परम तत्व आत्मा बैठा था वो इस शरीर रूपी गाड़ी से अब उतर गया है। जैसे बस में से ड्राइवर उतर जाए तो बस में हॉर्न है पर बजता नहीं है क्योंकि ड्राइवर उतर गया, और बस में स्टीयरिंग है पर मुड़ता नहीं है, बस स्टार्ट हो सकती चाबी है पर स्टार्ट होती नहीं है क्योंकि ड्राइवर नहीं है। तो तुम्हारे शरीर रूपी बस का, शरीर रूपी गाड़ी का ड्राइवर कौन है? इसको चलाने वाला कौन है? इसको जीवित रखने वाला कौन है? इसको एक्टिवेट करने वाला कौन है? वो जो है उसी तत्व का नाम अविनाशी आत्मा है। वही आत्मा, उसी आत्मा के कल्याण के लिए सत्संग है, भक्ति है, स्वाध्याय है, साधना है, ध्यान है, पूजा पाठ है। उस आत्मा का कैसे कल्याण होगा? तो आत्मा का कल्याण तुम करोगे फिर तुम कौन हो? तुम ही तो आत्मा हो, तो आत्मा ही आत्मा का कल्याण करेगी, बिल्कुल करेगी। उद्धरेत आत्मनः आत्मानम न आत्मानम औषधयेत। श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, ये आत्मा ही आत्मा का उद्धार करता है। तुम्हारा और कौन उद्धार करेगा? महात्मा बुद्ध कहते हैं अप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो, स्वयं दीपक बन जाओ, जलते हुए दीपक बनो, स्वयं दीपक बन करके स्वयं अपने ही प्रकाश में अपनी ही जिंदगी का विकास करो। जैसे महिलाएं स्वयं भोजन बनाती हैं, स्वयं खाती भी हैं, स्वयं बिस्तर बिछाती हैं, स्वयं उस पर आराम भी करती हैं, जैसे मैं प्रवचन सुनाता हूँ स्वयं सुनता भी हूँ, मोबाइल में फिर सुन लेता हूँ, मैं भी सुन लेता हूँ, ऐसे ही इस आत्मा का कल्याण ये आत्मा ही करेगी। तुम और आत्मा अलग अलग नहीं हो, ये कहने का एक तरीका है, तुम ही तो आत्मा हो और तुम ही तो परम तत्व हो। परंतु ये आत्मा परमात्मा को ढूंढ रहा है, और सभी महान पुरुष कहते हैं बाहर मत ढूंढो, फिर भी लोग बाहर ढूंढ रहे हैं। तो ढूंढने वाला कहता है भीतर कहाँ ढूंढूं, भीतर जाने का कोई रास्ता नहीं, भीतर कोई बस भी नहीं जाती है न ट्रेन जाती है, भीतर में घुसूं कैसे, किधर से गेट इसका है, भीतर जाओ बताते। वो बड़ा आश्चर्य लगता है, कितने लोग कहते हैं आत्मा ही परमात्मा है। अब ये बात और गंभीर हो गई, यदि आत्मा ही परमात्मा है और कहते हैं अंदर जो आत्मा बैठा ये परमात्मा का रूप है, ये भी सुना मैंने, तुमने भी सुना होगा, लेकिन आत्मा ही परमात्मा है, अंदर बैठा है आत्मा, ये परमात्मा है, तो ये आदमी दारू कैसे पीता है, मछली कैसे खाता है, गिद्धराज कैसे बनता है, सुअर को मारकर खाता है, बकरी को खाता है, कछुआ खाता है, सांप को खाता है, कुकरी मुर्गी बकरी बकरा भैंसा गाय सब खाता है, और फिर कहता है अंदर परमात्मा है। तो अंदर ये सब मछली लिए जा रहा अंदर, परमात्मा तक मछली काट काट के पहुंचाएगा, तू निकल बाहर। पूरा भगवच्छर बना रखा है अंदर परमात्मा। बहुत आश्चर्य होता मेरे को भी, ये अंदर बैठा है तो बैठा अंदर क्या कर रहा, रोकता क्यों नहीं है, ये मुंह में दारू का बोतल लगाए है, इसकी दारू की बोतल अंदर से बाहर ढकेल दे तू, गटर गटर पी रहा हो अंदर, तू क्या कर रहा। बहुत आश्चर्य होता है।
को साधु भी हंस रहा है कि अंदर भी नहीं है तो बाहर भी नहीं तो है कहाँ, वो तो बीच में है तो बीच में कहाँ लटका है। वो जिला परिषद भी खुश हो गया है कि अब आज तो ढूंढ ही लूंगा, अब अंदर और बाहर दोनों वाला साधु मिला है, कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही, घुसूंगा जरूर। और अंदर यदि परमात्मा बैठा हुआ है, आत्मा के रूप में परमात्मा बैठा हुआ है, तो अंदर बैठे बैठे ये व्यभिचार क्यों करवाता है? ये बलात्कार, ये व्यभिचार, ये रैप, ये गैप, ये मैप, ये लड़ाई झगड़े मार पीट, और रघुपति राघव राजा राम ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, फिर मुस्लिम और हिंदू क्यों मर जाता है? और फिर ये भी कहते हैं न मस्जिद में है न मंदिर में है, तो फिर कहाँ है? मक्का के खेत में है क्या? मैं भी बड़े आश्चर्य में पड़ जाता हूँ कभी कभी, मन होता तर्क कर दूं जम के, फिर सोचता हूँ ज्यादा तर्क भी ठीक नहीं है। और कबीर साहब भी बहुत मजा करते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि झूठा रोजा झूठी ईद, और झूठा अल्लाह झूठी मस्जिद। कबीर साहब ऐसी बात बताते हैं, बोलिए झूठ है तो झूठ में लोग क्यों भिड़े हुए इतना? फिर कबीर साहब ये भी बात कहते हैं कि राम कहे दुनिया गति पावे तो खान कहे मुख मीठा। अगर राम कहे से दुनिया की मुक्ति हो जाए तो शकर कहने से मुंह मीठा हो जाना चाहिए। आइसक्रीम कहने से मुंह में आइसक्रीम आ जानी चाहिए। दारू कहने से नशा दारू का चढ़ जाना चाहिए। ये बहुत गड़बड़ मामला है। कबीर साहब भी मजेदार संत है। कबीर साहब ये भी कहते मुझको हंसी आती है, तो मैं कहता हूँ कबीर साहब को हंसी आती है तो कहते क्यों हंसो जाकर के, हंसने कौन रोक रहा है, भीड़ मत हंसो, अकेले हंसो जाकर। कबीर साहब कहते मुहि सुन सुनी आवे हंसी, तो सुनते क्यों हो, मत सुनो मत हंसो। तो कहते पानी में मीन प्यासी, मछली पानी में है और प्यासी है, और ये बात जब सुनता हूँ तो मुझे हंसी आती है। तो मछली से पूछ लो तू क्यों प्यासी है, जब पानी में बैठी तो पी ले, नखरा करती खाम खाम प्यासी बैठी। तो कबीर साहब कहते मछली से कुछ भी लेना देना नहीं, तो किससे लेना देना है? बोले ये आदमी की कहानी है, आदमी भी मछली जैसा ही है। तो मछली जैसा क्या है? तो साहब कहते हैं कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी, और सो तेरे घटमा ही बिराजे परम पुरुष अविनाशी, पानी में मीन पियासी मुहि सुन सुनिया वही हाँसी मुहि सुन सुनिया। कबीर साहब कहते हैं कि आत्मा का ज्ञान नहीं है, मैं कौन हूँ, हु एम आई, मैं कौन हूँ। और काशी और मथुरा में जा रहे हैं, काशी में मूड घोटाते हैं, बाल बनवाते हैं, अब अयोध्या में सरयू में डुबकी लगाते हैं, और मथुरा में जाकर सिर झुकाते हैं, और हरिद्वार में जाकर स्नान करते हैं, और फिर घर में आकर दारू पीते हैं। हो गया कल्याण पूरा, मोहि सुन सुनिया वही हाँसी। अरे पानी में मीन पियासी मोहि सुनी सुनियावत हाँसी। गाओ सब गाओ, कोई बचना नहीं चाहिए। पानी में मीन पियासी मोहि सुनी सुनियावत हाँसी। पानी में मीन पियासी मोहि सुनी सुनियावत हाँसी। रसोई में है लेडीज और भूखी है तो हंसी आ रही है, जब रसोई में है तो खा ले, भूखी क्यों है? या तो नाराज होगी, गाल फुला के बैठी होगी,
इसलिए नहीं खाती है, भूखी है, नहीं तो खा लेना चाहिए रसोई में। पानी में मछली और प्यासी है, या तो उसको पता ही नहीं कि पानी क्या है, पीना क्या है, उसी में घूम रही है, वो पानी को समझती नहीं और प्यासी तड़फ रही। तो कबीर साहब कहते इसीलिए हमको हंसी आती है, हंसी आती है तो हंसो, कौन मना करता ना हंसो, खूब हंसो, जिंदगी भर हंसो, हंसते रहो, हंसते हंसते थक जाओगे तब हंसना बंद करोगे, लेकिन हंसने से मतलब क्या है। तो कबीर साहब कहते मतलब ये है, मछली से तो मतलब ही नहीं है, मतलब इस आदमी से है कि इसके घट के अंदर परम तत्व परमात्मा विराजमान है, लेकिन ये उसको बाहर ढूंढ रहा है, इसलिए हंसी आ रही है। जैसे आपका सामान घर में खोया हो और तुम ढूंढो खेत में जाकर, तो तुम्हारी पत्नी को तो हंसी आएगी। एक पति ऑफिस जा रहा था, कौन बोल रहा है, बच्चे को मना करो, यहाँ द्वंद मत मचाए, अपने अपने बच्चों को पकड़ के बैठो, कोई हल्ला गुल्ला मत मचाना, बच्चा छोड़ना भी मत, तुम लोग जवान आदमी बच्चे देखो घूम रहे ना, उठ के चले जाओ, इनको पकड़ो, पकड़ पकड़ के महिलाओं को गोदम डाल दो, चाहे जिसकी गोदम डाल दो, फर्क क्या पड़ता है। सुन सुनी आ भाई हंसी हाँ पकड़ो इनको, घूमने मत देना किसी को, बहुत बड़ी बात है। क्या सुना रहा था, हाँ, किसी महिला का पति जा रहा था, ऑफिस जा रहा था, पेंट पहन लिया, शर्ट पहन लिया, कोट पतलून पहन लिया, टाई लगा लिया, लेकिन चलते समय उसे याद आया चश्मा, तो चश्मा ढूंढ रहा था, चश्मा बिना उसको अक्षर दिखते नहीं थे ऑफिस में, तो चश्मा ढूंढा, चश्मा मिला ही नहीं, तो पत्नी से कहा मेरा चश्मा ढूंढने में मदद करो। पत्नी उसी का नाम है जो पति को मदद करे, चाहे चश्मा खो जाए तो चश्मा ढूंढने में मदद करे, पेंट गंदी हो जाए तो पेंट धोने में मदद करे, पति के पैर दर्द करे तो तेल मालिश में मदद करे, मददगार रहे। कितनी पत्नियां अपने पतियों को बड़ी मदद करती हैं, कितनी पत्नियां अपने पतियों को ऐसा तेल मालिश करती हैं हड्डी तक चरमरा जाती है वो पति दोबारा मालिश कराना ही नहीं चाहता कि हे चंडिका देवी माफ करो, एक बार में तो हड्डी बुरादा हो गई अब रहने तो तो पति अपनी पत्नी से कहता है मेरा चश्मा क्यों नहीं ढूंढ कर देती है, जल्दी ढूंढ, और हाथ पकड़ा और झकझोर डाल। पतियों की आदत पत्नियों को झकझोरने की रहती है, वह पत्नी सौभाग्यशाली है जिसका पति झकझोरता ना हो, अन्यथा पति भी कोई कम खतरनाक नहीं है, क्या भरोसा कब झकझोर दे पूरा जैसे छोटे पेड़ को झकझोरा जाता है, ऐसे कितने पति, पूरा रावण है, अपनी पत्नी को झकझोर डालता है। कमजोर पत्नी बेचारी बिल्ली की तरह दुबक जाती है कि हे रावण बचा दे ना मुझे, फंस गई तेरे चंगुल में क्या करूं। कई तरह से तुम पत्नियों को झकझोरते हो, दारू पी पी कर इनको झकझोर डालते हो, फिजूल खर्ची करके झकझोर डालते हो, आलस्य में पड़े रहते तो भी ये झकझोर जाती है, और गलत फलत काम करते तो भी झकझोर जाती है, और याद रखना इनकी पीड़ा और दर्द को जब नहीं सुनते हो तो भी ये झकझोर जाती है। इसलिए पति वह धर्म पति कहलाता है जो अपनी पत्नी की पीड़ा को समझता है, उसको धर्म पति कहा जाता है।